ये प्रॉब्लम है 6 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट 1 प्लस 2 इजकल टू व्हाट, ये आपको निकालना है, ठीक है। इसका हमने कम्युनिटी में डाला था तो 90% स्टूडेंट ने इसका जो है गलत आंसर दिया है। 90% इसको गलत कर रहे हैं। तो क्यों गलत कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग डायरेक्ट करते हो, डायरेक्ट नहीं करना है। ऐसी प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व करते हैं, यानी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो उसके लिए हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। क्या है, देखिए फॉर्मूले को मैं आपको बता दे रहा हूं। बी ओ डी एम ए एस, ये है आपका, यानी सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, उसके बाद में ऑफ जो का होता है, ठीक है, उसको, फिर देन उसके बाद में डिवाइड, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ये इस तरीके से आपको चलना होता है। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, ये दे रखा है आपका 6 डिवाइड बाई 2 1 प्लस 2, ओके, इसको सॉल्व करेंगे, यानी सबसे पहले हम बी4 ब्रैकेट, यानी कि इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2 और ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3। अब ये ब्रैकेट है तो इसको पहले 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 इस तरीके से आ जाएगा। देन अब इसके बाद में हमको क्या करना है, ओ इसमें है नहीं, ऑफ, डायरेक्ट आ जाते हैं डिवाइड पर। अब हमारा डिवाइड खत्म होगा, अब इसके बाद में हमको क्या करना है, इसका डिवाइड खत्म करना है, यानी कि ये डिवाइड, ये चीज खत्म करेंगे तो इसका मतलब क्या है, 6 डिवाइड बाई 2 मतलब ये कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ गए, इसका क्या है, 6 डिवाइड बाई 2 मतलब 6 में हम 2 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो ओवरऑल ये आ गया 3, अब मल्टीप्लीकेशन 3, टोटल मिला के कितना आ गया उत्तर, ये दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर होगी बात, इस तरीके से छोटा सा तो सवाल है, ठीक है, इसको भी आप गलत कर देते हो, बताओ कितना इजी है, ठीक। तो ऐसे ही कोई बड़ी कैलकुलेशन आपको मिलती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, B4 ब्रैकेट, O4 ऑफ, ठीक है, फिर देन उसके बाद में D M A S, बस एक बार में एक काम करिए, हमेशा सही उत्तर आएगा, ठीक है।